कि आज के जो फिल्म मेकर हैं वो फियरलेस होना चाहते हैं, वो अपने जज्बातों को खुलेआम पेश करना चाहते हैं, जिस मर्जी की फिल्म बनाना चाहे वो बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि अभिषेक चौबे या अलंकृता श्रीवास्तव या कुशान नंदी घर संसार घर एक मंदिर मेरा पति सिर्फ मेरा है ये बना सकते हैं? यह इनकी सोच है? ये तो हम भूल चुके हैं, ये तो हम भूल चुके हैं, और हमारे से पहले जो फिल्म मेकर्स थे वो भी भूल चुके हैं कि अब समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, हम ग्लोबल हो रहे हैं, हमारी आर्ट को चारों तरफ पहचाना जा रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फियरलेस हैं और आप गालियों का इस्तेमाल करते हैं या आप कुछ ऐसे सीन करते हैं जो कि आपको अभद्र लगते हैं, मेरे को लगता है कि फिल्म में ऐसा सीन होना वो कम है, लेकिन किसी CBSE जो सेंसर सर्टिफिकेट के जो कोई जो भी थे वो मेल थे या फीमेल थे उनका किरण को ये कहना कि आपने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी है तो आप औरत नहीं है, आई थिंक ये ज्यादा बदतर सीन है, ये ज्यादा बेकार सीन है और ज्यादा अभद्र सीन, क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए इज्जत या उस जाति के लिए इज्जत है ही नहीं सर। और आप अगर सीट पे बैठे हुए हैं तो आप एग्जामिन कमेटी के मेंबर नहीं है, आप शायद अपने आप को मॉरल जज या सोसाइटी का जज समझ रहे हैं, आप जज नहीं है, आप सिर्फ एग्जामिन कमेटी के मेंबर है, दैट्स ऑल, आप शुड यू शुड रियलाइज दैट। और दूसरा ये बात पहले भी हो चुकी है, उनका पंजाब के टाइम में बात कर चुके हैं कि ये सेंसर जो है ये सिस्टम जो है ये गलत है। वाकई में विदिता ने कहा और बाकी सब लोगों ने बोला कि आप हम पर है, ये ऑडियंस पे डिपेंडेंट है कि उनको क्या देखना है। अगर इंटरनेट पे सब कुछ दिख रहा है और सब देख रहे हैं और सब गालियां सुन रहे हैं और सब न्यूड सीन देख रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, तो मतलब वो देख रहे हैं ना। आप सेंसर इसलिए करना चाहते हैं कि सोसाइटी खराब ना हो, आपके पिक्चर के थ्रू पर सोसाइटी पे तो इम्पैक्ट हो रहा है और सोसाइटी तो देख रही है ना, पर वो अपनी मर्जी से देख रही है। और ऐसा नहीं कि सभी देखते हैं, कुछ लोग उसको रिजेक्ट भी करते हैं, नहीं भी देखते हैं। तो ऐसे ही आप फिल्म जो है उसको आप पूरी परिपूर्ण आजादी दीजिए, फिल्म मेकर को आजादी दीजिए, उसके डर को निकालिए, वो फियरलेस रहे ताकि हमारे काम को देश विदेशों में जाना जाए। आज इन्हें तो डर से अगर पिक्चर बनाएंगे तो डर से पिक्चर नहीं बन सकती। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सेंसर सर्टिफिकेशन का रूल जो है जो बदलना चाह रहे हैं, जो शाम मेडिकल कमेटी अभी बनी है और उसकी अभी तक कोई मतलब उसका क्या लागू होने वाला है कुछ अब तक पता नहीं है, कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनने को मिलती है कि शायद सर्टिफिकेशन रेटिंग होगी और सेंसर बोर्ड नहीं रहेगा, वो पढ़ के खुशी मिलती है और जैसे ही खुशी मिलती है तो एक बम हम पर फूट पड़ता है घर से कि जी आज जो है बंदूकबाज को बाबू मशाए बंदूकबाज के इतने 48 कट्स हो गए इन गालियों के लिए और प्रोड्यूसर की बेइज्जती की गई है, वहां पर उसके साथ बदसलूक की गई है। तो अब वक्त आ गया है कि हमको जैसे कि हमारी फिल्में जो है आगे बढ़ रही है, हमारी ऑडियंस जो है वो इम्प्रूव हो रही है, हमारे दर्शक जो है वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, हमारी फिल्मों को कैसे तोड़ बरोड़ करके आज इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे ऐसी तैसी कर डालते हैं, तो पब्लिक की पूरी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है हाई टाइम कि सेंसर बोर्ड की इंटेलिजेंस भी थोड़ी सी बढ़े और वो थोड़े से परिपक्व हो और थोड़े से इंटेलिजेंट हो और थोड़े से ओपन माइंडेड हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो जब वो थिएटर में बैठे होते हैं ना तभी वो एग्जामिन कमेटी के मेंबर है, जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्होंने सही बोला फिर वो ड्रॉप कर देंगे क्या कि मैंने आपकी पिक्चर बहुत देखी है, कहते ना वाह आप तो बड़े कमाल के हैं यार, यू नो वो आप इंसान है वो लोग, लेकिन वो वहां बैठते ही उनकी आत्माएं जो है ना चेंज हो जाती है और वो जज बन जाती है। एनीवे मैं तो दोबारा से थैंक यू कहना चाहूंगा कि हमारी सोलिडारिटी को और मजबूत कर रहे हैं, ये एक थोड़ी सी एक रोड ब्लॉक है, वो खत्म हो जाएगा, पिक्चर रिलीज होगी, पिक्चर अच्छी होगी, 100% चलेगी, देयर इज नो टू डाउट अबाउट, आप रोक तो सकते नहीं उसको, उसकी गालियां निकालने से आप रोक नहीं सकते पिक्चर को, या गालियां डालने से ऐसा नहीं हो सकता कि वो पिक्चर चल जाएगी, पिक्चर तो पिक्चर होती है, लेकिन आप किसी आदमी को कैसे रोक सकते हो, आप किसी फिल्म मेकर को कैसे रोक सकते हो। आज कुशान के लिए मैं प्राउड फील करता हूं, कुशान यूज्ड टू असिस्ट मी एंड आई फील वेरी प्राउड दैट ही इज मेकिंग ए फिल्म व्हिच ही बिलीव्स इन। हमने तो कई बार ऐसी पिक्चरें बनाई हैं जो हमने बिलीव ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ पैसे के लिए बना लिया सर,
लेकिन आज की जनरेशन तो ऐसी है ना कि व्हाट दे थिंक दे वांट टू डू इट, तो उसको क्यों रोका जा रहा है, उस यंग बच्चे को क्यों रोका जा रहा है, और कौन है आप रोकने वाले? आप सर्टिफाई कीजिए, आप बोल दीजिए एडल्ट्स के लिए, आप बोल दीजिए इसके लिए, बड़े बाहर के मुल्कों से आप तरीके ढूंढ लीजिए। बस ये कहना चाहूंगा, थैंक यू एंड कुशान, योर पिक्चर विल डू वेल बिकॉज यू हैव मेड अ गुड फिल्म। ओके, बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया।